बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया डॉक्टर पॉल क्लिनिक आपके बालों और त्वचा की समस्या के लिए सबसे अच्छा समाधान प्रदान करता है। हेयर ट्रांसप्लांट, बालों का झड़ना और त्वचा की समस्याओं का बेहतर इलाज कराना चाहते हैं तो चले आइए डॉक्टर पॉल क्लिनिक। पता है फर्स्ट फ्लोर फजल इमाम कॉम्प्लेक्स नियर पटना सेंट्रल मॉल। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। नमस्कार, आप न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं और आपको बता दें कि पिछले दिनों सिवान के बड़हरिया में महावीरी अखाड़े के दौरान दो समुदायों में कुछ झड़प हो गई, जिसको लेके कई सारे लोगों के ऊपर मुकदमे किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर मुकदमा किया गया था और इसमें कई सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा चर्चा का विषय बना रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ऐसा लड़का था रिजवान, जिसका नाम था, जिसकी उम्र 8 साल बताई जा रही थी, उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई थी। हालांकि आपको बता दें कि रिजवान की गिरफ्तारी का मामला इतना तूल पकड़ा हुआ था कि लगातार ये सिर्फ नेशनल मीडिया पर ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवरेज किया था। वहीं आपको बता दें कि कई सारे राजनीतिक दल के नेता जिनको मौका मिल गया था और लगातार वो कटाक भी कर रहे थे। आप बता रहे असदुद्दीन वैसी का इस मामले पर पूरा बयान आया हुआ था, जिसमें असदुद्दीन वैसी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा था कि चाचा और भतीजा की ये कैसी सरकार है, ये सरकार नहीं चाहिए, हमको सम्मान चाहिए। आपको बता दें कि असदुद्दीन वैसी ने भी ये बात साबित किया था कि 8 साल बच्चे का उम्र है, उन्होंने किया हुआ था। लेकिन इस पूरे मामले पे जो सिवान के एसपी हैं सरेश कुमार सिन्हा, वो बार बार ये कहते रहे हैं कि बच्चे का उम्र जो है वो 13 साल है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि जो एडीजी हैं बिहार के, उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता करके उन्होंने बताया कि जो बच्चा है रिजवान, उसकी उम्र 8 साल नहीं बल्कि 13 साल है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें कि बाल सुधार गृह में रहने के बाद 4-5 दिनों तक रिजवान बाल सुधार गृह में रहा और जब लगातार लोग आवाज़ें उठाते रहे, उसके बाद कल उसको जमानत, आपको बता दें कि उसको बेल मिल चुकी है, जो रिजवान नाम का लड़का है उसको कोर्ट से बेल मिल चुकी है। और इस पूरे पक्ष में आपको बता दें जो वकील साहब हैं हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, नवीन कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो पूरा केस देख रहे थे, तो उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि कल रिजवान को बेल मिला है और रिजवान कल शाम में अपने घर चले गए हैं। और रिजवान के साथ साथ इस पूरे मामले में 11 लोगों को बेल मिला हुआ है और कई सारे लोग हैं जो अभी भी जेल में हैं। इसी पूरे मामले पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। पूरा जो ये रिजवान वाला मामला है, जो बड़हरिया का मामला है, उसको लेके हम जानना चाहेंगे कि ये पूरा पहले मामला कैसे क्या है और पुलिस के तरफ से जो FIR किए गए हैं उसमें क्या कुछ कहा गया था। जी, दिनांक 8/9/2022 को महावीरी मेला जो बड़हरिया में निकल रहा था, तो इसको हरदिया तक जाना था, बड़हरिया से निकल के इसको हरदिया तक जाना था और अजान का जो समय होता है उस समय यह मेला को रोक दिया गया, महावीर मेला को। और जब नमाज अजान समाप्त हुआ तो लगभग 5:10, 5:15 में ये मेला गुजरने लगा अपने निश्चित स्थान को जाने के लिए। और जैसे ही वह मस्जिद के पास पहुंचा तो कुछ मुस्लिम उपद्रवी जो थे वो मस्जिद के पास से और मस्जिद के छत से पत्थरबाजी करने लगे और असंवैधानिक नारा लगाने लगे। मतलब ऐसा पुलिस के द्वारा कहा गया है? जी, पुलिस के द्वारा कहा गया, जो प्राथमिकी है उसके उसको हम बता रहे हैं। जी, उसके बाद कुछ धर्म विरोधी नारा लगने लगे इत्यादि, इस तरह के जो आजकल के वाक्या चल रहे हैं, ये प्राथमिकी के अनुसार पुलिस ने कहा कि उसमें पुलिस प्रशासन को और लोगों को निशाना बनाया गया, पत्थरबाजी की गई, जिसमें 35 नेम्ड FIR हुआ और 100 अननोन FIR हुआ, मतलब अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध FIR हुआ। लेकिन सबसे चर्चा का विषय इसमें ये रहा कि एक 8 साल के लड़के को जो सीरियल नंबर 24 पे, सीरियल नंबर क्रम संख्या 24 पे प्राथमिकी में नाम दर्ज है, रिजवान अहमद, जो कि बड़हरिया का रहने वाला है, एक निर्धन परिवार का लड़का है। तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये प्रशासनिक व्यवस्था उस निर्दोष लड़के को कैसे फंसा दिया और उसके पास कौन सा एविडेंस था, कि क्या उसके पास ऐसा वीडियो फुटेज था या कौन सा ऐसा एविडेंस था या कौन सा आई विटनेस था जिसमें उस निर्दोष लड़के को, अबोध लड़के को फंसाया गया।
जो कि काफ़ी चर्चा का विषय है, और वह लड़का जब पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको न्यायालय के समक्ष लाया तो प्रायः फैसी ही वह लड़का माइनर लग रहा था, और माइनर लगते हुए जब वह जे बोर्ड में गया तो जे बोर्ड ने उसको काफ़ी गंभीरता से लिया और उसका एज का वेरिफिकेशन हुआ। उस एज वेरिफिकेशन में उस लड़के का उम्र 1/1/2014 पाया गया, जो उसके बर्थ सर्टिफिकेट अनुसार मतलब कोर्ट के सामने ये बात सामने तय हो गया कि बच्चे की जो उम्र है वो 8 साल है सर्टिफिकेट के हिसाब से। बिल्कुल, ये उसके बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार लड़के का उम्र 1/1/2014 पाया गया, जो कि साबित करता है कि उसकी उम्र 8 साल थी। 8 साल थी जी, यानी कोर्ट इस चीज़ को मानता है कि बच्चे की उम्र 8 साल है जी। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा गया कि बच्चे का उम्र 13 साल है, इसको कैसे? नहीं, ऐसी बात नहीं, जो जो हमारे पास एविडेंस है हम एविडेंस के आधार पुलिस क्या कहती है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब उसका प्रमाण पत्र या साबित करता है कि बच्चे का उम्र 8 साल है और देखने में भी वो 8 साल का बच्चा लगता है, तो इसीलिए न्यायालय ने जो लर्नेड न्यायाधीश थी उन्होंने मामले को गंभीरता को लिया और प्रशासनिक असफलता को समझा और उस आधार पर लड़के को जुवेनाइल घोषित किया। उसके बाद उसका जमानत भी दिया और वह जमानत के बाद जो बंद पत्र इत्यादि मुंशी जी श्री मनु कुमार पांडे द्वारा दाखिल किया गया, उसके बाद वो लड़का कल रिहा हो गया, शाम को लगभग 6 बजे तक रिहा हो गया। लड़का तो रिहा हो गया, लेकिन जो पूरा मामला चला, पूरा विवाद हुआ, क्या लग रहा है कहाँ चूक हो गई थी? चूक इसमें हम तो यही कहेंगे कि चूंकि बड़हरिया थाना अध्यक्ष जो है वो उनका मैंने संपूर्ण चूक वही है, क्योंकि पुलिस को यह देखना था कि कौन गिल्टी है। हम ये नहीं कहते हैं कि गिल्टी को सज़ा नहीं मिले, जो अब दोषी है उनका नाम प्राथमिकी में जरूर आना चाहिए, लेकिन इस 8 साल के लड़के ने ऐसी कौन सी रिश्ता की है, ऐसा कौन सा गुनाह किया है, इसका हम जहाँ तक हमको जानकारी है या प्राथमिकी में जो हम लोग देख रहे हैं अवलोकन किए हम लोगों ने, तो उसको हमने यह पाया कि ऐसा कुछ नहीं है जो यह स्पेसिफिक साबित करे कि यह लड़का 8 साल का जो रिजवान है वह इस मामले में कहीं भी दोषी है, क्योंकि पुलिस ने कहीं भी पूरे प्राथमिकी के पेरूजल से यह साबित होगा कि स्पेसिफिक रिजवान अहमद के विरुद्ध कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। यानी पुलिस के द्वारा जो रिजवान अहमद को बनाया गया, इसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन कहीं से ये साबित नहीं किया गया, कोई ऐसा वीडियो, कोई एविडेंस पुलिस नहीं दिखा पाई जिसमें ये लगता हो कि रिजवान पत्थर चला रहा है या रिजवान ऐसे मामलों में इन्वॉल्व है जी। इसका हमने जो रिकॉर्ड है, जो प्राथमिकी या जो रिमांड के समय डायरी आती है, तो हमने उसको अवलोकन किया, उसमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं पुलिस साबित कर पाई है कि इसमें रिजवान कहीं भी कोई वीडियो फुटेज, कहीं भी कोई स्पेसिफिक एलिगेशन या कहीं कोई फोटोग्राफ्स जिससे ये साबित है कि रिजवान इस कांड में शामिल है, वह पूर्णतया निर्दोष है, और उसको प्रशासनिक असफलता कहेंगे जो कि आजकल चल रहा है बिहार में, उसी का परिणाम है, और इसके लिए मेरी नज़र में बड़हरिया थानाध्यक्ष पूर्णतया दोषी है, और हम SP सिवान से यह निवेदन करेंगे कि उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की। नवीन जी, आप बहुत एक बड़ी बात बोल रहे हैं जी। कोई एविडेंस नहीं पुलिस के पास, कुछ नहीं, ऐसे होता है और भी लोग करते हैं, हम सिर्फ पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी पर उन्होंने आरोप लगा दिया, FIR कर दिया और बाद में कोई एविडेंस साबित नहीं कर सकते, तो ये कोर्ट का समय भी तो खराब करने वाली बात हो गई जी। बिल्कुल, एपेक्स कोर्ट के अनुसार लर्नड एपेक्स कोर्ट के अनुसार यह है कि रिमांड के समय जो एक्यूज आते हैं तो उसमें प्रायः फैसी यह साबित करना होता है कि यह इस केस में गिल्टी है, इसके पास कोई प्रमाण है, लेकिन मेरी नज़र में, मेरे हिसाब से रिजवान के विरुद्ध ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया गया। जब कोई प्रमाण अगर रिजवान के विरुद्ध नहीं पाया गया तो इस मामले में तो अगर चाहे तो रिजवान के लोग जो हैं वो भी तो पुलिस के खिलाफ जा सकते हैं जी। बिल्कुल जा सकते हैं, इसके लिए जुडिशरी है, वो अपना जाएं और न्याय का जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाएं, उसमें न्याय मिलेगा। और कल जैसा हुआ भी लर्नेड कोर्ट ने जो जे बोर्ड की न्यायाधीश थी उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया, उसको किशोर घोषित किया, जुवेनाइल डिक्लेयर किया, उसके बाद उसका बंद जमानत मिला, बंद पर दाखिल हुआ और वह जेल से रिहा हुआ।
आपको बता दें कि 8 तारीख को सिवान के बड़हरिया में महावीरी मेले के दौरान जो विवाद हुआ था, हालांकि उसको बाद उस विवाद के बाद जो सिवान के तेज तरार एसपी हैं उन्होंने पूरे आपको बता दें कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए काफ़ी एक्टिव नज़र आए, और आपको बता दें कि उसके बाद से फिर कुछ सूचना उस तरह की नहीं मिली, शांति का माहौल वहाँ पर बना दिया गया। लेकिन इस मामले में आपको बता दें कि एसपी त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 21 लोगों को गिरफ्तार किया, कितने 21 या कितने लोग गिरफ्तारी हुए थे इसमें? लगभग वही 21 आदमी गिरफ्तारी हुए, लेकिन 35 को नेम्ड है और 100 अननोन है, यानी 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ और 35 ऐसे लोग हैं जिनको नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से आपको बता दें कल 11 लोगों की ये बेल मिल चुका है, 11 लोगों को बेल मिल चुका है। जी, इसमें जे बोर्ड से रिजवान को और 10 जमानत हुआ है ACGM 3 यहाँ से, जो बड़हरिया थाना का केस देखते हैं उनके यहाँ से 10 आदमी का जमानत हुआ है जुडिशियल कस्टडी से ही। अच्छा वकील साहब, भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो उसको लेके क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो भी संबंधित थाना है तो अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहे और अपना जो इंटेलिजेंस है उसको पुख्ता रखे तो हम जानते हैं कि और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जो भी पक्षकार हैं उनको सबको विश्वास मिले तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई सकती। बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो इस घटना पर रोक लगा सकती है, लेकिन हम उन लोगों से भी कहना चाहेंगे जो गांव में या शहर में रहते हैं और इस तरह के जब जुलूस निकलते हैं तो लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं, ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आपको बता दें कि हम लोग को एक साथ एक जगह मिलजुल के रहना है, और इस तरह से जो छीट फूट लड़ाई झगड़े होते हैं, जो हिंदू मुस्लिम विवाद होते हैं, उसका सीधा फायदा जो देश के बड़े नेता हैं उनको मिल जाता है और आप लोग को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। अगर 21 लोगों पर मुकदमा दर्ज की गई है तो ये सिर्फ इन 21 लोग के ही परिवार को ये दर्द समझ में आएगा, बाकी जो नेता हैं सिर्फ और सिर्फ उनका फायदा उठाएंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन भी आपको हमेशा सहयोग करती है और आपको भी चाहिए कि आप पुलिस प्रशासन में सहयोग करें और जो मेला का ये जो परंपरा है इसको आपसी सौहार्द के साथ मिलकर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद।